वेलकम बैक ऑन आवर चैनल गाइस। आज हम आए हैं इंडिया के सबसे बड़े मरीन एक्वेरियम में। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ पे ये एक्वेरियम है, कैसे आपको आना है, क्या टाइमिंग है इसकी और क्या टिकट प्राइस है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम अंदर जाते हैं, टिकट लेते हैं, उसके बाद सारी बातें करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मरीन एक्वेरियम है कहाँ पे। तो ये एक्वेरियम है केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में, और त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। पंचावड़ी एक प्लेस है, वहाँ पे इसको बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत इसको तैयार किया गया है। अंदर एंटर करते ही आपको बहुत सारे झूले देखने को मिलेंगे और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं। 16D थिएटर है, साथ में ट्रेन राइड है, तो वो आप पैसे देके कर सकते हो। अगर आप वीकेंड पे जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा रश जो है वह वहाँ पे देखने को मिलेगा। काफ़ी लंबी लाइन टिकट काउंटर के बाहर आपको देखने को मिलेगी। और हाँ, बात करें इसके टिकट प्राइस की तो वो भी थोड़ा कॉस्टली है। इसका जो टिकट है एक पर्सन का वो है 400, और बच्चा अगर 95 सेंटीमीटर से अबव हाइट है तो उसका है 280। बट जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे तो आपको बहुत सारी कलरफुल जो फिश हैं वो देखने को मिलेगी। चारों तरफ आपको फिशी फिश देखने को मिलेगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे लगेगा मानो आप सी के बीचों बीच जो है वो चल रहे हो, इतना खूबसूरत इसको बनाया गया है। अब बात करते हैं कि वहाँ पे आपको पहुँचना कैसे है। तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ पे त्रिशूर रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से आपको बस लेनी पड़ेगी। बस जो है वो डायरेक्ट नहीं मिलेगी वहाँ पे, बस पहले चवाकड़ के लिए लेनी पड़ेगी, फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी। बट बसेज वहाँ पे कम ही जाती हैं, तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास टैक्सी का। तो टैक्सी का वन साइडेड के चार्जेस करते हैं वो 1500, और अगर आप दोनों साइड के करते हो तो 2500 रुपये वो मान जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका ऑटो, तो ऑटो में वन साइड के चार्ज करेंगे वो 900, बट हमने दोनों साइड का किया था ऑटो तो उन्होंने हमसे चार्ज किया था 1600। तो ये एक जायज़ सा रेट था ऑटो का, क्योंकि 40 किलोमीटर है ये त्रिशूर रेलवे स्टेशन से। तो इतना अगर आपसे ऑटो वाला लेता है तो ये जायज़ है, आप इतने में जा सकते हो वहाँ पर। फिर हम पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे लोग जो हैं वो फिश स्पा करवा रहे थे। तो अगर आप भी अपना पैसा वसूल करना चाहते हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर बाहर कहीं फिश स्पा करवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो यहां पे फ्री का हो रहा था तो हमने भी फिश स्पा का पूरा मज़ा लिया और वहाँ पर काफ़ी देर बैठे रहे हम। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली। और ये जो आप देख रहे हो ये भी काफ़ी अच्छा बनाया था, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया है। बट एक चीज़ जो मेरे को अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि एसी नहीं था वहाँ पे, सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जहाँ पे एसी था, बाकी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और भीड़ तो इतनी थी ऐसा लग रहा था आप मेले में पहुँच गए हो, क्योंकि वीकेंड के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर आप वीकेंड के टाइम आते हो तो आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और फिर हम पहुंच जाते हैं एसी वाली जो एकमात्र जगह थी वहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो एसी था तो हम थोड़ी देर यहाँ भी रुके, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। Thank you.
अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग की। तो सैटरडे संडे ये 11 बजे ओपन होता है और 7 बजे क्लोज़ होता है, और बाकी के दिन 11:30 ओपन होता है और 6:30 बजे तक क्लोज़ हो जाता है। यहाँ पे आप फिश को जो है वो फीड भी करवा सकते हो, बट उसके जो है वो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये टनल जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पे बड़ी बड़ी सार्क जो है वो जा रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था हमारे सर के ऊपर से फिश जो है जा रही हैं, तो काफ़ी अच्छा था ये। ये टनल जो है सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको स्पेंड करने के लिए 3-4 घंटे चाहिए ताकि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सको। और साथ में यहाँ पे बाहर छोटी छोटी दुकानें भी हैं जहाँ पे आपको स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह मिल जाएगा। और अगर हाँ आपके पास टाइम है तो साथ में एक बीच है, आप वहाँ भी जा सकते हो, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हम नहीं गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।